सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में, इसको डीके में। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो सुजलोन एनर्जी लिमिटेड। तो सुजलोन एनर्जी के अंदर आप देखोगे लगभग 10% की गजब की तेजी बनी है। स्टॉक ने आज का जो हाई लगाया है लगभग 1190 का स्टॉक ने हाई लगाया है। तो यहाँ पर आपको स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इस वीडियो में हम बात करें इसके लेवल्स को लेकर, क्या इसके टारगेट रहने वाले, और वहीं आप देखोगे आज के दिन आपको स्टॉक के अंदर जबरदस्त वॉल्यूम लगते नजर आई है। यहाँ पर आप देखोगे लगभग 64 करोड़ 40 लाख की वॉल्यूम स्टॉक के अंदर देखने को मिल चुकी है। उसके साथ साथ और स्टॉक ने जो ना अपने 52 वीक लो से लगभग 6 रुपये, इसका 52 वीक लो रहा है, वहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि जो उसने रिटर्न निकाल कर दिया 100% का। जी हाँ, 100% का रिटर्न निकाल कर दे दिया है और पहुंच चुका है अपने 52 वीक हाई के आसपास। जी हाँ, आप देखोगे 12 रुपये के आसपास स्टॉक पहुंचा आज के दिन। इसका जो 52 वीक हाई है वो आप देखोगे 13 रुपये 10 पैसे है। तो ऐसे में इसकी जो स्ट्रेटेजी वो मैंने आपको बताई है दोपहर वाली वीडियो पर, कमेंट आएगा सर फ्रेश एंट्री ले ले या फिर नहीं पाई, आप लोग पहले तो वीडियो पूरी देखा करो। मैंने उसके अंदर आपको क्लियर बता रखा है कि आपको क्या करना चाहिए। फ्रेश एंट्री ले रहे हो तो आपको क्या लेकर चलना है, क्या लेकर नहीं चलना है, तो आपको क्लियर बताया, वीडियो कंप्लीट देखा करो, ठीक है। उसके बाद आप कमेंट किया करो, आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो यहां पर अगर आप लोग फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो तो मैंने आपको क्लियर बता दिया है, फ्रेश एंट्री ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको नीचे में एसएल वगैरह लगा के रखना पड़ेगा, तभी उसके अंदर बेनिफिट हो सकता है। लेकिन इस लेवल पर आप देखोगे भाई, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री लेना चाहते हो, ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलने वाला है। क्योंकि स्टॉक के अंदर काफ़ी तेजी बन चुकी है। आप देखोगे इसका चार्ट पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, स्टॉक के अंदर जो तेजी आ रही है ना हाल फिलहाल, ये सारा आप देखोगे ऑपरेटर्स का गेम है भाई, ठीक है। ऑपरेटर्स ने जो ना स्टॉक को पूरी तरह से घुमा रखा है। यहाँ पर आप देखोगे वॉल्यूम लगने लगी है तो स्टॉक के अंदर ये तेजी बनी है, ठीक है, ये पंप आया है आप बोल सकते हो। तो स्टॉक ने काफ़ी शानदार रिटर्न निकाल कर दिया। तो ऐसे में अब स्टॉक से होने वाला है प्रॉफिट बुकिंग। तो प्रॉफिट बुकिंग आप देखोगे अपने 52 वीक हाई तक भी स्टॉक जा सकता है, कुछ भी नहीं कह सकते हाल फिलहाल तो, ठीक है। क्योंकि भाई उड़ीसा से अच्छी खबर आई है कि वहाँ पर जो ना 10 गीगावाट का जो ना बड़ा प्रोजेक्ट का एम किया जा रहा है। उसके साथ साथ आप देखोगे बजट नज़दीक आते हुए नज़र आ रहे हैं, बजट के ऊपर भी काफ़ी कुछ फोकस किया जा सकता है कि ग्रीन एनर्जी को, ग्रीन सेक्टर के लिए काफ़ी पीला स्कीम वगैरह गवर्नमेंट के थ्रू जो है अप्रूव की जा सकती है। तो ये सब हमें देखने को मिल सकता है। तो ये सारी बातें देखते हुए हमें स्टॉक के साथ चलना चाहिए। अगर आप लोग इसके अंदर रिस्क कम लेना चाहते हो तो करंट प्राइस पर बाइंग कर सकते हो, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग का जो खतरा है वो थोड़ा बढ़ रहा है क्योंकि स्टॉक नॉन स्टॉप चल रहा है। अब यह 1 या 2 दिन में आप देखोगे ऊपर से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है और स्टॉक हमें ऊपर से जो ना 10-15% के आसपास जो ना टूटते हुए नजर आ सकता है। जी हाँ, ऊपर के लेवल से आप देखोगे 10-15% टूट सकता है। तो ऐसे में हाल फिलहाल जो करंट प्राइस पर बाइंग करने के लिए सोच रहे हैं शॉर्ट टर्म वाले, तो वो थोड़ा वेट करके उठाएंगे तो मेरे हिसाब से सही रहेगा, ठीक है। कल का आप जो ना वेट कीजिए, कल के दिन मेरे हिसाब से जो ना जहाँ तक मेरा मानना है स्टॉक से प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। अगर ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हुआ तो स्टॉक टूट सकता है। तो जो फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं वो आज वेट कर लीजिए। आज स्टॉक के अंदर काफ़ी तेज़ी बन चुकी है, प्रीवियस सेशन में भी तेज़ी बनी थी, तो इसलिए आपको वेट करना चाहिए, वेट करके ही स्टॉक को उठाना। अगर आप लोग एज ए लॉन्ग टाइम के लिए चलना चाहते हो तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी जो है आप इसकी परचेज करना स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए इसके आज के हम एक बार लेवल्स भी देख लेते हैं, क्या चार्ट पर लेवल्स निकल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट होते नजर आया चार्ट के ऊपर, आप देख सकते हो भाई, आप देखो काफ़ी अच्छा ट्रेंड स्टॉक के अंदर बना हुआ है, अप ट्रेंड बन चुका है। तो ऊपर में आप देखोगे स्टॉक से हमें जो ना प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। अगर प्रॉफिट बुकिंग होता है तो 4-5% वो मैंने आपको बोला वही करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, जैसा कि आपको इस लेवल पर देखने को मिला था। तो यहाँ से आप देखोगे अच्छी स्टॉक के अंदर कैंडल्स अच्छी आप देखोगे बाइंग होते हुए नजर आई है। तो यहाँ से अगर बात करें इसके ऊपर में टारगेट्स को लेकर, तो यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक के अंदर बड़ा ब्रेकआउट होते हुए नजर आया है, ठीक है। तो अगले जो इसके टारगेट रहने वाले हमारे ऊपर में, अगर बात करें इसके रेजिस्टेंस की, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है 12.5 का रहेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करके ऊपर में सस्टेन करता है तो स्टॉक के अंदर तेजी बनना लाजमी। नीचे में सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे ये वाला जो सपोर्ट है वो अच्छा बन रहा है, तो 10.80 का लेवल रहेगा नीचे में सपोर्ट का। अगर ब्रेक होता है तो स्टॉक आपको जो ना 10.40 या 10.50 के आसपास आते हुए नजर आ सकता है। तो ये रहेंगे इसके लेवल। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।